की धान की जगह अब अन्य फसलों की तरफ जरूर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें पानी की खपत काफी कम होगी। वो निरंतर घराता जा रहा है, तो मुझे ये विषय आपके सामने रखना था 15 तारीख से पहले, और उसका एक कारण था कि जिस विषय को मैं आज रखने जा रहा हूँ, जल बचत की जो हमारी योजना है, उस योजना का शीर्षक ये है कि हम चाहते हैं हरियाणा में जो एक क्रेज़ बना हुआ है धान की खेती का, इस धान की खेती को हम डिस्करेज करना चाहते हैं, क्योंकि धान की जो खेती है उसके ऊपर पानी बहुत यानी एक प्रकार से लागू होता है। हरियाणा हमारा एक गर्म प्रदेश है और समुद्र से दूर है, मानसून के नाते देश में जितनी बाकी जगह मानसून की जो एक प्रभाव रह करके वर्षा अधिक होती है, हमारे यहाँ धीरे धीरे आते आते कम हो जाती है। पूर्वी प्रदेशों में भी ज़्यादा होती है वर्षा, दक्षिण में भी पर्याप्त होती है। हमारे यहाँ कुछ लोकेशन ऐसी है कि वर्षा जितनी हमको चाहिए, जितने पानी का उपयोग है, उसमें वर्षा कम होती है, और उस कम वर्षा के कारण से हम पानी के संकट में आते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर नदियाँ भी कोई सीधी नदी नहीं है, अगर बॉर्डर की नदी है तो हमारे यहाँ यमुना नदी है, और यमुना नदी भी वर्ष में एक 3 महीने ही चल पाती है, पानी उसमें पूरा आता है, फिर पानी बाद में पीछे से कम हो जाता है। और अगर एक बरसाती नदी सुनाते कहें तो वो घग्गर नदी है, बहुत कम पानी उसमें भी बरसाती नदी एक प्रकार की है, बाद में तो उसमें एक वेस्ट वाटर टाइप ही ज़्यादा जाता है। जितना पानी हमको उपलब्ध होता है उसमें एक दिल्ली का प्रेशर भी बना रहता है कि भी दिल्ली को पानी चाहिए, तो मालूम नहीं ये कब से ट्रेंड शुरू हुआ, वो सारा जोर अपना हरियाणा पर ही डाल देते हैं। अब ये ठीक है कि मानवता के नाते से पीने के पानी की आवश्यकता सबसे पहले उसकी पूर्ति होनी चाहिए, दिल्ली देश की राजधानी है तो इसलिए दिल्ली के पानी की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन कई बार मैं कह चुका हूँ कि उसकी पूर्ति करने के लिए बाकी प्रदेशों को भी उसमें थोड़ा योगदान करने के लिए कहीं ना कहीं से विषय शुरू होना चाहिए। हमारा जो SYL का विषय है वो भी कई वर्षों से लटका है, वो भी हम चाहते हैं कि जल्दी पूरा हो ताकि SYL का पानी हमको मिले। प्रयत्न बहुत हो रहे हैं, उन प्रयत्नों में अतिरिक्त प्रयत्न भी देखें तो लखवार का डैम है, रेणुका डैम है, रियासी किसाऊ डैम है, और फिर अब तो पाकिस्तान के पानी, जो हमारा पानी जा रहा है पाकिस्तान में व्यर्थ जा रहा है, उसको भी देखिए आज जो विधायक दल की हमारी बैठक थी, ये बैठक क्योंकि लोकसभा चुनाव के पोलिंग के बाद की बैठक ये थी और रिजल्ट आने से पहले की बैठक, इसमें एक तो हमारे जो विधायक सब लोग चुनाव में लगे, सब कार्यकर्ता चुनाव में लगे, उनके उनसे चर्चा चुनाव के बारे में, उनके अनुभव और भविष्य में, हमने विधानसभा चुनाव के लिए भी जाना है, और जिस प्रकार की रिपोर्ट सब ओर से आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हरियाणा में यानी कि 10 की 10 सीटें जीत करके केंद्रीय नेतृत्व को मोदी जी को देने वाली है, तो इसके आधार पर भविष्य में हम लोग विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो उस समय तक की मोटी मोटी चर्चा विधायक गणों से हुई है, सबने अपने विचार सांझे किए हैं, जिस प्रकार से डेवलपमेंट के काम हैं, जन कल्याण के काम हैं, इनके बारे में भी चर्चा हुई है, और विधायकों से भविष्य के अंदर क्या क्या हम लोग हरियाणा प्रदेश में कर सकते हैं, एक संकल्प पत्र की कमेटी बनाई जाएगी, उसके लिए सुझाव भी मांगे गए हैं कि हम किस किस प्रकार से अपने क्षेत्र सहित हरियाणा प्रदेश में विकास चाहते हैं, किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के अगले चुनाव में हम जाएं, इस प्रकार की सारी चर्चाएं आज की इस बैठक के अंदर हुई हैं।
देखिए आज की जो आज की मैंने मोटी मोटी चर्चाएं जो आपके सामने की हैं, संकल्प पत्र की समिति अभी आगे बढ़ेगी क्योंकि ये आज एक पहली चर्चा आई है, इसलिए इस चर्चा के आधार पर अगले दिनों में बैठ करके मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके एक पुख्ता योजना बना करके आप लोगों के सामने फिर रखी जाएगी। सर 2014 विधायकों से सब तरह की का फीडबैक लिया गया है, हर तरह की चर्चा आज की इस बैठक में, राजनीतिक चर्चा भी और डेवलपमेंट के बारे में चर्चा भी आज की बैठक में हुई है। देखिए मैंने एक बात कही है, सब तरह की चर्चाएं आज इसमें, राजनीतिक चर्चा भी और विकास के कामों की चर्चा भी और आने वाले समय के अंदर हम किस प्रकार से चुनाव के अंदर जाएं, ये सारी बातें आज की बैठक के अंदर हुई है। बराना जी 2014 का जो आपका घोषणा पत्र था उसको देखिए, ये इस बारे में भी चर्चा हुई है कि चाहे वो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं या हमारे विधायक मंत्रियों ने कुछ घोषणाएं या कुछ कामों के बारे में चर्चा की होगी अपने अपने क्षेत्र में, वो सारा एक समय सीमा के अंदर सारी वो चीज़ें पूरी हो जाएं, इसके बारे में भी सब लोगों से चर्चा हुई है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर के अपने कामों को पूरा करवाएं। 2014 का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर आपके जो वायदे हैं, उन वायदों में से कौन से ऐसे बड़े वायदे हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं और आप 2019 के मैदान में जाएंगे उससे पहले उनको पूरा? देखिए सारी चर्चाएँ उसमें आई हैं, जैसे मैंने बताया है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं, पूर्व के हमारे संकल्प पत्र की बातें हैं, सारी अगले चुनाव तक हम किस प्रकार से पूरी करें इसकी चर्चा बैठक के अंदर आई है। देखिए टारगेट के लिए अगली बैठक करेंगे, एक बार आप 23 तारीख का जश्न मिल करके सब मनाएं और 23 तारीख के रिजल्ट के बाद एक टारगेट, नए टारगेट के साथ, नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम लोग चुनाव के अंदर जाएंगे। देखिए सब जगह सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रह करके, और क्योंकि सब 10 की 10 लोकसभा सीटें हम लोग जीतने वाले हैं तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर खुशियां मनाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी का अभी तय नहीं है, अभी बैठ करके तय करेंगे, रोहतक भी हो सकते हैं, चंडीगढ़ भी हो सकते हैं, अभी कोई इस प्रकार का फाइनल नहीं हुआ है। ये जो मिशन 70 की बात की जा रही है, देखिए अभी कोई इसमें ऑफिशियल किसी तरह की कोई बात नहीं है, मैंने कहा 23 के रिजल्ट के बाद सारी चीज़ें एक बार बैठ करके हम लोग बैठक करेंगे, उसके बाद सारे टारगेट तय किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय से पहले चुनाव भी हो सके ऐसे एक मिनट के लिए मैं फ़ोन कर लूँगा आपको, मेरे को जल्दी निकल। ठीक, तो बड़ी खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुभाष बराला मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे।